नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। शुरुआत करेंगे अपने विशेष बुलेटिन की। आपको बता दें कि तालिबान के कब्जे में आ चुका अफगानिस्तान महिलाओं के लिए नर्क बन चुका है और इस नर्क में कानपुर की एक बेटी फंसी हुई है जो अब उसे वहां से निकालने के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रही है। पीड़ित महिला को इस हाल में पहुंचाने का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति है जिसने उसे अफगानिस्तान ले जाकर बेच दिया, जबकि महिला का पति एक अफगानी नागरिक है और मुंबई में काम करता है। आज हम आपको अफगानिस्तान में फंसी महिला की वो गुहार सुनाएंगे जिसको सुनकर आपका दिल भी पसीज जाएगा, साथ ही कानपुर में मौजूद पीड़ित की मां का दर्द भी आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। आप कानपुर की एक महिला अपने बच्चों के साथ अफगानिस्तान में फंसी हुई है। महिला की माने तो अपने दामाद पर उसे अफगानिस्तान ले जाकर बेचने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दी है। इसके साथ ही उसने पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ से अपनी बेटी को वापस लाने की गुहार लगाई है। अफगानिस्तान में फंसी कानपुर की बेटी। अफगानिस्तान में पत्नी को बेचकर फरार हुआ पति। अफगानी नागरिक से हुई थी कानपुर की बेटी की शादी। पत्नी को छोड़कर वापस मुंबई लौटा जल्लाद पति। पीड़ित बेटी ने सीएम योगी से लगाई मदद की गुहार। कानपुर की बेटी की मदद करो सरकार। इस माँ की आंखों के बहते ये आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस माँ की रोने की वजह है उसकी बेटी जो कानपुर से हजारों किलोमीटर दूर अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में तालिबान जिस तरह से क्रूरता दिखा रहा है उसी क्रूरता से ये माँ डरी हुई है, क्योंकि इस माँ की बेटी उन जल्लादों के बीच फंसी हुई है। फंसी भी इसलिए क्योंकि कानपुर की बेटी हिना के पति ने उसे धोखा दिया है। सिर्फ धोखा ही नहीं, अगर धोखा ही दिया होता तो शायद हिना सह लेती, लेकिन उसके पति ने हिना को तो वहां ले जाकर उसे बेच ही दिया। हिना इस वक्त काबुल से 80 किलोमीटर दूर जुर्मुट में फंसी हुई है। अब जरा ये सोचिए कि जिस देश में इंसानों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा हो उस देश में फंसने के बाद किसी अकेली महिला का क्या हाल हो रहा होगा, वो भी तब जब उसे किसी के हाथों बेच दिया गया हो। कानपुर की बेटी हिना किस दर्द से गुजर रही है उसे आप उसकी आवाज में समझ सकते हैं। ये आवाज उसकी फोन रिकॉर्डिंग की है। हेलो हेलो, हाँ हम तुम्हें तुम्हारे हाँ समझ गए। ये बताओ तुम्हारा कोई वीडियो कॉल हो सकती है? अंकल नहीं हो सकती, यही तो मेरा मोबाइल सब ले लिया गया, ये मैं चुप्पे से आपको फोन कर रही हूँ। अच्छा, हमने तुम्हारे मेरे पास हम तुम्हें यहाँ पे जो है यहाँ कई मीडिया में सब कुछ करा दिया, हमने एप्लीकेशन भी दे दिया है। अब तुमको ये है कि हाँ। ये तुमको वहाँ कोई खबर जाएगी। तुम किस शहर में रह रही हो? अंकल मैं बताया तो था मैं काबल से दूर हूँ, ये जुर्मत है। जुर्मत है, ठीक है। अच्छा तो जुर्मत में तुम्हें किससे पूछेंगे तुम वहाँ पहुँच जाए? कोई पहुँचेगा तो कोई एम्बेसी वाला पहुंचेगा यहाँ पर? रुक जाइए बताते हैं। यहाँ पर कोई जुर्मत में बताए, ये तामिर बाजार है, तामिर बाजार में वहाँ पर सबका है, किसी से बोल देंगे ना जू मोहम्मद के घर जाना है या बक मोहम्मद की दुकान पे जाना है, तो वहाँ पर बक मोहम्मद की दुकान में पहुँच जाएंगे ना तो वहाँ से किसी से पूछ दे, सूद का काम करते थे बम्बई में, ब्याज का काम करते थे जू मोहम्मद, उनके घर पे जाना, तो बस वहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा तुम अभी तुमको हमने फेसबुक मैसेंजर पे ऐड किया है, हमने तुमको हाँ तुमको मैसेज भेजा है, तुम उस पे अपनी सारी अंकल बात है? अंकल नहीं है, मेरा मोबाइल ले लिया गया है सब कुछ ले लिए। अंकल मैं सादे हाँ सादे मोबाइल से फोन कर रही हूँ, वो भी चुपके से, सिर्फ 10 रुपए मेरे पास पड़े थे बैलेंस में, बेटे से मंगाया। अच्छा तो कैसे तुम्हारा पूरा नाम क्या है? हिना खान, ऐसे यहाँ पर सब अम्मो बोलते हैं मुझे। अच्छा तुम्हारा जो आदमी बॉम्बे में है वो तुमसे कॉन्टेक्ट करता है? मेरे से अभी कॉन्टेक्ट नहीं करता है, उससे अपने घर वालों से बात करा, रात में गाली बहुत बक रहा था, अपनी माँ को फोन करा, बोला
बोल दो बच्चे अच्छे नहीं देंगे और इसको मारो घर में सब मिलके। अच्छा ये बोला है? हाँ अच्छा तो तुम पैसे वैसे कुछ भी नहीं भेजेंगे, मारो इसको कुछ खाने के लिए मत दो। हिना ने फोन पर किसी गनी मोहम्मद नाम के शख्स का पता भी बताया जहाँ वो है। हमारा नाम समीरुन्निसा है। क्या मामला है और कौन है आपकी जो अफगानिस्तान में फंसी हुई है? हमारी बेटी है, हम योगी और मोदी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी बेटी को भेज दें हमारे पास हिंदुस्तान में आ जाए मेरी बेटी। कहाँ पे थी आपकी बेटी, कैसे गई? मुंबई में, मुंबई में था, डरा धमका करके ले गया छोटी बेटी को। तो कौन ले गया, कैसे? मेरा दामाद भाई। क्या नाम है? गनी। कैसे मिले थे आपकी बेटी को? वो बाहर में काम करती थी, वहाँ से मिल गया। मुंबई में? हाँ मुंबई में। बेटी से मुलाकात हुई, फिर क्या हुआ? फिर वो जो है उसको डरा धमका के ले गया मुंबई से अफगानिस्तान। कब ले गया अफगानिस्तान? 2013 में। उसके बाद फिर बेटी से बात होती थी कभी? हाँ बात होती थी थोड़े दिन तक, उसने पैसा वैसा भेजा, बच्चे खाते पीते थे। अब जो है वो हमारी बेटी के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटी वापस आ जाए। आपको कैसे मालूम हुआ कि आपकी बेटी पे जुल्म कर रहा है? मेरी बेटी ने खुद बताया मुझको, रोके। हाँ कब फोन किया था? 28 तारीख को आपकी। आपको फोन किया था? हाँ। क्या कहा बेटी ने फोन किया? बेटी ने कहा कि मम्मी मुझे बचा लो, इसलिए यहाँ पे दंगा हो रहा है और हम यहाँ फंसे हुए हैं और मुझे ये लोग मारते पीटते हैं, खाना पीना नहीं देते हैं, हम लोग भूखे रहते हैं यहाँ पे, बच्चे हमारे भूखे हैं, इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारी बेटी हमारे पास आ जाए। कितने बच्चे हैं बेटी के आपके? तीन बच्चे हैं। तीन बच्चे हैं? हाँ, कामरान है और दूसरी बे, 8 साल का कामरान है, 6 साल की परी है और 2 साल का फहाद है। अब आप क्या चाहती है? अब हम ये चाहते हैं योगी मोदी जी हमारी बेटी को बुला सकते हैं और कोई नहीं बुला सकता है मेरी बेटी को। कम से कम हमारी यही प्रार्थना है कि हमारी बेटी को भेज दें, हमसे मिला दें मेरी लड़की को। दरअसल हिना का पति एक अफगान नागरिक है और वो मुंबई में रहकर काम करता है। हिना की मुलाकात गनी मोहम्मद से हुई थी। हिना की माँ की माने तो गनी मोहम्मद ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसा कर शादी कर ली और फिर अफगानिस्तान ले गया, और वहां ले जाने के बाद गनी मोहम्मद ने उस पर जुल्म करना शुरू कर दिया और फिर उसे वहीं नरक में छोड़कर वापस मुंबई आ गया। फिलहाल हिना की मां के गुहार पर सरकार हिना को वापस देश लाने की कोशिश कर रही है। अफगानिस्तान में फंसी हिना की मां ने कानपुर में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस भी अब मामले में आरोपी पति के बारे में पूरी जानकारी खंगाल रही है। पुलिस इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल भी तलाश रही है। बेटी है, हम योगी और मोदी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी बेटी को भेज दें हमारे पास हिंदुस्तान में, आ जाए मेरी बेटी। इस मां ने अपनी बेटी को बचाने के लिए अब उस दर पर दस्तक दी है जहां से कोई खाली हाथ नहीं जाता। जी हां, मुसीबत के समय में जब इस मां को कहीं से भी मदद नहीं मिली तो इस मां ने पीएम मोदी और सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई है कि उसकी बेटी को वापस अपने देश ले आएगी। अपनी बेटी से दूरी के गम में और चिंता में इस मां के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रही। पीड़िता की मां के मुताबिक उसकी बेटी हिना काबुल से 80 किलोमीटर दूर जुर्बुट में फंसी हुई है और मोहम्मद गनी ने उसकी बेटी को गलत हाथों में बेच दिया है और खुद आकर मुंबई में रहने लगा। पीड़ित मां ने बाबूपुरवा थाने में दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि मोहम्मद गनी अब परिवार को फोन करके रुपयों की डिमांड कर रहा है, रुपये न देने पर लड़की के जिंदा वापस न आने की धमकी दे रहा है। हिना के साथ वहाँ उसके 3 बच्चे भी कैद में है जिन्हें वापस लाने के लिए उसकी मां सरकार से गुहार लगा रही है। मेरी बेटी ने खुद बताया मुझको, रोके। हाँ, कब फोन किया था? 28 तारीख को आपकी। आपको फोन किया था? हाँ। क्या कहा बेटी ने फोन? बेटी ने कहा कि मम्मी मुझे बचा लो, इसलिए यहाँ पे दंगा हो रहा है और हम यहाँ फंसे हुए हैं और मुझे ये लोग मारते पीटते हैं, खाना पीना नहीं देते हैं, हम लोग भूखे रहते हैं यहाँ पे, बच्चे हमारे भूखे हैं, इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारी बेटी हमारे पास आ जाए। कितने बच्चे हैं बेटी के आपके? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं? हाँ। पीड़ित हिना का परिवार कानपुर के किदवई नगर के बगाही का रहने वाला है। परिवार में माँ समीरुन्निसा, 4 भाई और 3 बहनें हैं।
पिता इखलाक अहमद की मौत हो चुकी है। अपने भाई बहनों की हिना सबसे बड़ी बहन है। हिना की मां ने आरोप लगाया कि मोहम्मद गनी ने उसे अफगानिस्तान ले जाकर बेच दिया है और उसे वहां बंधक बनाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने विदेश मंत्रालय को सूचना दे दी है। साथ ही पुलिस इस मामले में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एंगल से भी जांच कर रही है। पति है वो बॉम्बे में रहता था जहां इनकी हिना खान से मुलाकात हुई और उसे प्रेम जाल में फांस के शादी करी गई। शादी करने के बाद इसे अफगानिस्तान भेज दिया गया और इनका आरोप ये भी है, एलिगेशन ये कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी मामला हो सकता है और कई और औरतें भी इसमें शामिल हो सकती हैं। तो ये जांच का विषय है। जब जांच होगी जांच में एक स्पष्ट हो जाएगा कि कितनी औरतें हैं, कितनी औरतें यहाँ से बेची गई, कितनी औरतें फंसी हुई, क्योंकि इनके पास तो एक फ़ोन कॉल आ गई वहाँ से, तो पता लग गया कि हिना खान वहाँ फंसी हुई हैं। फिलहाल हिना को वापस भारत लाने के लिए विदेश मंत्रालय कोशिश में लग गया है। वहीं कानपुर पुलिस इस पूरे मामले में हिना के पति का पता लगाने में जुटी है ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या इस तरह से और लड़कियों को अफगानिस्तान में बेचा गया। जब मतलब वो अफगानिस्तान ले गया, थोड़े दिन अच्छे तरीके से रखा, फिर 5-6 साल से वो बुरी तरीके से मारपीट करता है, कहीं कुछ करता है, कुछ ना कुछ करता ही रहता है। अब क्या चाहते हो आप? अब हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटी को वापस हमको भेज दे हमारी बेटी को। और मोदी जी से और योगी जी से पूरी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी बेटी को भेजा जाए। तो जिस प्रकार सभी लोग जान रहे हैं कि अफगानिस्तान की बात की जाए तो काबुल का जो माहौल है वहाँ पर रहना हिंदुस्तानी क्या अन्य देश के जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। और ऐसे में लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि जो भी हिंदुस्तानी अफगानिस्तान में फंसे हैं उनको लाने का पूरा प्रयास चल रहा है। ऐसे में कानपुर की जो बेटी हिना खान वो अफगानिस्तान में फंसी, देखने वाली बात ये होती है कि इस गरीब परिवार की माँ की पुकार कब सुनते हैं और किस इस माहौल में किस प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी से साथ साथ योगी जी कितना कुछ करके इस बेटी को अपने परिवार से मिलाने का प्रयास करते हैं। कैमरा पर्सन रवि के साथ शिवराज साहू, इंडिया न्यूज़ कानपुर।